हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हमारी पोकेमोन ब्लैक। तो इसमें हम लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा था, हम लोग के दो एपिसोड बनाए। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाओ जाके चेकआउट करो। और लास्ट टाइम हम लोग जहाँ पे पहुँचे थे वो था साइलन का जिम, और हम लोग को यहाँ पे एक कंडीशन सी दे दी गई थी कि अगर आपको बैटल करना है तो एक ही लीडर के साथ करना पड़ेगा। मतलब या तो साइलन से कर लो, या तो क्रैश से कर लो, या फिर किसी और से। और मतलब अनफॉर्चुनेटली हम लोग को साइलेंट से तो बैटल करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग की बैटल होगी क्रैश से, जो कि साइलेंट की बहन नहीं बल्कि भाई है। मैंने उसको गलती से उसकी बहन समझ लिया था, फीमेल नहीं है बल्कि वो मेल कैरेक्टर है क्रैश। लेकिन जिम में जाने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे जाएंगे और नर्स जॉय से लेंगे थोड़ी बहुत हीलिंग। यहाँ पे हम लोग पहले अपने पोकेमॉन हील कर लेते। ये हो गए पोकेमॉन हील, और अब हम लोग जाएंगे शॉप पे। आप लोग सोच रहे हो कि शॉप पे क्यों जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू यार इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए गेम प्ले पे। तो यहाँ पे मैं पोकेबॉल नहीं, पहले मैं लूँगा पोशंस, कुछ पोशंस लूँगा जो कि हम लोग को बैटल में बहुत काम आने वाले हैं। एक मिनट, पोशंस ठीक है, ये हो गए 13 पोशंस हम लोग ने ले लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग पोकेबॉल्स भी खरीद लेते हैं कुछ। सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी थकी हुई आ रही होगी, क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुका हूँ। लाइव स्ट्रीम करी थी थोड़ी देर पहले और अब गेमिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड इतनी सारी ऑडियो रिकॉर्ड करने पड़ रहे, तो आवाज़ में तो थकना है ही, जाहिर सी बात है। तो अभी हम लोग जाते हैं यार। अरे यार, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज के गेम प्ले में उतनी अच्छी ऑडियो आउटपुट आपको देखने नहीं मिल पाएगी, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन गेम प्ले तो रिकॉर्ड करने था। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अब साइलेंट के पास, साइलेंट की भाई से भिड़ने, जो कि है क्रैश। तो ये जो ब्लू बाल वाला प्राणी है यही है क्रैश। और अब हम लोग की बैटल दोस्तों चालू हो चुकी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी धमाका होने वाला है। और अब हम लोग की बैटल हो गई है शुरू। उसने भेज दिया लिप अप को, और हम लोग यहाँ पे भेज चुके हैं टेपिक को। पहले एक डिफेंस कर ले लेता हूँ, जिससे हम लोग का डिफेंस ठीक हो जाए। और ये डिफेंस कर ठीक है, ये डिफेंस कल एक और बार ठीक है, अब ठीक है, अब हो जाए अटैक दोस्तों। अब एम्बर का यूज किया जाएगा, अब मारा तोड़ी पे आ चुके हैं हम लोग, एम्बर का यूज किया जाएगा, बचना नहीं चाहिए वो लिलीपप। और ये लिलीपप की एचपी थोड़ी सी कम हो चुकी है, अब टैकल अटैक और उसको हिला के रख दो। इस बार बाइट से इतना असर नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ने डिफेंस कल यूज कर लिया था। एम्बर, ये जा चुका है एक और एम्बर, और अब हम लोग यूज करेंगे एक पोशन। सो गाइस, हम लोग ने पोशन यूज कर लिया टीवी के ऊपर, जिससे उसकी हेल्थ रिकवरी हो पाए। और लिलीपप ने भी हमको देख के पोशन यूज कर दिया है, लगता है क्रैश हम लोग की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो अब उस क्रैश को ऐसी मस्जिद चिकाए जाए। पहले तो हम लोग डिफेंस कल से अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और अब आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों को थैंक यू, मतलब पिछले गेम प्ले पे इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतना वेट करते हो गेम प्ले का यार, मतलब लकीली बहुत ही अच्छी ऑडियंस है मेरे पास आप लोग की जैसी। और अब ये एम्बर अटैक, ओ शिट, बाइट से इतना असर नहीं हुआ, बाइट से इतना असर नहीं हुआ। और ये एक एम्बर उसके ऊपर जाना चाहिए, इस बार लग गया एम्बर, लग गया एम्बर लकीली, और बर्न से फाइनली दोस्तों लिलीपप हार चुका है। तो वो पैनपर को भेजने की सोच रहा है, और मैं यहाँ पे टेपिक का यूज करूंगा। ओके, सो आई एम नॉट चेंजिंग माई पोकेमॉन। तो ये तो पैंसेज का कोई भाई वगैरह लग रहा है। तो अभी हम लोग के पास 3 पोकेमॉन एक्टिव है, मतलब टेपी है, लिलीपप है, पैंसेज है। तो ये बैटल हम लोग ही जीतने वाले हैं, हम लोग को पहला बैच भी मिल जाएगा लकीली। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि एम्बर से उतना फर्क नहीं पड़ा है। ओ नो, ये एक वाटर टाइप पोकेमॉन है आई थिंक, जो भी हो लेकिन उसकी वाटर गन बहुत ही भयानक है। तो यहाँ पे हम स्विच करेंगे पोकेमॉन, ग्रास टाइप पोकेमॉन आ जाएगा पैंसेज। होपफुली इस पे वाटर इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि पौधों को अगर आप पानी दोगे तो वो बढ़ेंगे ना और शक्तिशाली होंगे, ऐसे कुछ सीन है ग्रास टाइप पोकेमॉन का। ग्रास है या घोस्ट है जो भी है ये पता नहीं, लेकिन इसका यूज तो करेंगे हम लोग। ये देख सकते हो आप लोग, मस्त सा हो गया कुछ, तो उसकी वाटर गन का इतना इफेक्ट नहीं हुआ है। अब पैंसेज वाइन विप से उसे खत्म कर दो, और ये बैटल यहीं के यहीं समाप्त होने वाला है।
पैंसिज ने वाइन व्हिप इस्तेमाल किया और पैन पर का खेल खत्म। और दोस्तों हम लोग जीत चुके हैं अपना पहला बैच, हम लोग ने अपना पहला बैच जीत लिया है अपने गेम में, अपने सफर में, गेम नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक अपनी जर्नी में हम लोग ने अपना पहला बैच जीत लिया है। मतलब इजंट इट अमेजिंग। कमेंट करो गाइस, कमेंट करो इसके ऊपर, मुझे कमेंट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए आप सबके, ताकि मैं जान पाऊँ आपको कितना अच्छा लगा। और ये रहा हमारा प्रेटी प्रेटी सुंदर सुंदर बैच, जो कि बहुत ही हमारे बैच केस में सुंदर सा लग रहा है, मस्त सा लग रहा है बैच केस में आके। वो एट रिसीव द ट्रायो बैच फ्रॉम क्रेस। सो यार ट्रायो बैच आने वाला है, मतलब सॉरी आ चुका है, ट्रायो बैच मिला है हम लोग को। और ये साइलेंस हम लोग की बातचीत हो रही है, जिम बैचेस आर प्रूफ ऑफ अ ट्रेनर्स एबिलिटीज। बिल्कुल दोस्तों, इफ यू हैव वन बैच पोकेमोन इंक्लूडिंग ट्रेडेड पोकेमोन, ओके ठीक है ठीक है। TM83 भी मिला है हम लोग को वर्कअप नाम का साइलेंस से। तो गाइज हम लोग ने फाइनली अपना पहला पोकेमोन का जिम बैच जीत लिया है अपनी जर्नी में, तो काफी खुश हूँ। ये कोई तो आ गया यहाँ पे, हाय देयर आई एम फेनल, ओके ठीक है। प्रोफेसर जूनिपर आस मी टू गिव यू समथिंग, प्लीज फॉलो मी, ओके ओके। हम लोग को अपने साथ लेके चली गई हैं। फेनल यू आर गोइंग टू मीट ऑल ऑफ द पोकेमोन यूनिवर्सन, ओ द स्टेयर्स आर राइट हियर। तो अच्छा हम लोग को ऊपर की तरफ जाना है गाइस, हम लोग ऊपर की तरफ आ चुके हैं। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि प्रोफेसर जूनिपर इज माई फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, अच्छा कॉलेज के दोस्त हैं। शी आस्क्ड मी टू हेल्प यू गाइस, आई विल गिव यू समथिंग टू हेल्प यू, दिस इज अ हिडन मशीन। ओके A2 को मिल चुका है एक HM01। देर आर सम मूव्स दैट द पोकेमोन कैन यूज इवन इट इज नॉट फाइटिंग, ओके। योर पोकेमोन अ मूव कॉल्ड कट, इट कैन कट डाउन अ स्मॉल ट्री, यू एंड यू कैन यूज द हिडन मशीन एज मैनी टाइम्स यू वॉन्ट लाइक अ TM, बट इट्स डिफिकल्ट टू मेक अ पोकेमोन फॉरगेट अ हिडन मूव वंस इट लर्न इट्स, ओके समझ गए। There is a place called a Dream Yard on the outskirts of Striaton City. तो Striaton City के इधर एक Dream Yard है जहाँ पर हम लोग को जाना है, और शायद ये हम लोग को तभी काम आएगा ये जो कट मूव है। I'd like some of the dream miss that a Pokemon there called Mana gives off. तो guys अभी हम लोग अपनी गेम सेव कर लेते हैं, पहले सेविंग बाद में गेमिंग। तो देखते हैं अभी, मुझे पता है आई थिंक ड्रीम यार्ड सिटी कहाँ है, जहाँ से हम लोगों को दोस्तों पैंसेज मिला था वही है ड्रीम यार्ड सिटी, क्योंकि मैंने नाम पढ़ लिया था वहाँ पे। तो ये गड्ढे में से हम लोग जहाँ पे जाएंगे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ड्रीम यार्ड सिटी लिख के आ चुका है। और ये रहा वो पेड़ जो कि आई थिंक हमें कट करना है, ओके द ट्री लुक्स दैट डट, ये क्या बोल रहे हैं यार, जबान लड़खड़ा आ रही है, इतना थक चुका हूँ आज। दिस ट्री लुक्स लाइक इट कैन बी कट डाउन, लेकिन कैसे कट होगा ये तो मुझे पता ही नहीं। कट पोकेमोन कौन सा, मतलब कौन सा ऐसा पोकेमोन है जो कि कट यूज़ कर सकता है, मुझे नहीं पता। अच्छा ये क्या है, VLC मीडिया प्लेयर का लोगो लग चुका है फाइनली। कैसे कोई पोकेमोन को कट मूव सिखाया जाता है। तो चलते पहले उस लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग को वो मूव परफॉर्म करना है, ठीक है। यही था ना वो पेड़, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग को बैग में जाना है। तो ये यूज है, ये रहा, हम लोग पैंसिज को एक कट मूव सिखा सकते हैं क्योंकि वैसे भी वही एबल है भाई मूव यूज करने के। विच मूव शुड बी फॉरगॉटन, और तो कट सिखाने के लिए मैं लियर को जो है फॉरगेट कर रहा हूँ। टडा, पैंसिज लर्न कट। सो अब हम लोग फाइनली परफॉर्म कर सकते हैं एक कट। पैंसेज ने कट अटैक इस्तेमाल किया और हम लोग ने वो पेड़ को काट दिया। बियांसा या बियांका आ चुके हैं यहाँ पे, आर यू लुकिंग फॉर द मिस्टीरियस पोकेमोन टू, नहीं भाई हम तो नहीं देख रहे थे, आपने ही बताया, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते। एक मिनट, हे डिड यू हेयर साउंड कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, कम ऑन लेट्स सी, ओके हम लोग देख के आते। ओ ये क्या चीज़ है, मून 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 क्या बोल रही है बियांसा, ओ वेट, ओ ये तो टीम प्लाज्मा के लोग हैं। वी फाउंड यू मुन्ना, वी फाउंड यू मुन्ना, भाई क्या है ये, कम ऑन मेक सम ड्रीम मिस्ट मूव, भाई क्या है ये, हु आर यू,
What are you doing? Are you talking about us? We are Team Plasma, can't you see? We battle day and night to liberate Pokemon from foolish humans. Team Plasma, what are we doing? The Pokemon Munna and Musharna emit a mischievous vapor called Dream Mist. अच्छा तो यहाँ Dream Mist की बात हो रही है, तो यही दो Pokemon है Musharna और Munna जिनकी वजह से ये सब हो रहा है. आई थिंक मुन्ना मुन्ना क्या बोल रहा है यार ये. टीम प्लाज्मा कम ऑन स्पिट आउट द ड्रीम मिस्ट. बियांसा यू आर किकिंग अ पोकेमॉन टू मेक इट गिव अप ड्रीम मिस्ट. चलो यार बातचीत खत्म करो यार जल्दी. बियांका व्हाट डोंट हर्ट ई टू. ओह इसने तो हम लोग को ही बैटल के लिए चैलेंज कर दिया है, ये मुझे हर्ट कर रहे. टीम प्लाज्मा ग्रंट ने सेंड किया पैटरेट को जो कि यार 10 लेवल का है. मतलब यहाँ पे हम लोग ए हमारी हालत सही नहीं है. ए भाई पोकेमोन चेंज करो आ जा. चलो लिलीपॉप को ही भेज देते हैं. जाओ लिलीपॉप लिलीपॉप बाइट अटैक और उसे खत्म करने की कोशिश करो. एक और बाइट. तो ये बाइट अटैक एक और यूज़ कर लिया हम लोग ने और वो अभी भी मूव नहीं कर सकता. हमारे पास एक एडवांटेज है और यहाँ पे हम लोग ये मैच को जीत चुके हैं ये पहले वाले को. तो अब देखते हैं कौन सा पोकेमॉन भेजता है. लिलीपॉप लेवल 10 पे ग्रो हो चुका है. अरे इसके पास तो एक ही पोकेमॉन है और ये इतनी शाइनिंग मार रहा था. वेर यू नॉट टेकिंग देम सीरियसली बिकॉज दे आर किड्स. दे आर किड्स वेल वट एवर आई एम नेक्स्ट. अच्छा आप तुम भी मुकाबला करोगे बेटा. अभी चुकाते हैं उनको तुमको मजा. तुम ज़्यादा ही उड़ रहे हो हवा में एक पोकेमॉन लेके वो भी पर्लोइन जैसा पोकेमॉन. तो हम लोग का टेबी की मुकाबला करेगा एम्बर. कुछ नहीं हुआ चलो एक्यूरेसी फेल हुई है बस. और यहाँ पे उसकी पूरी एचपी फेल हो चुकी है दोस्तों. हम लोग का टेबी यहाँ पे जीत चुका है. टेबी की नहीं हम लोग की टीम प्लाज्मा के कुछ लोगों को हरा दिया है सच्चाई के साथ है दोस्तों हम लोग. ओके तो ये हम लोग को शायद लेके जा रहा. ओ ये तो गेट्सिस है. गेट्सिस फिर से आ गया. व्हाट आर यू टू डूइंग गूफिंग ऑफ. ये दो अच्छा मैं बताता हूँ रुक जाओ मैं बताता हूँ. ये दोनों ना अभी अभी बुरी तरीके से मेरे से आ रहे हैं. वी आर टीम प्लाज्मा शेल सेपरेट पोकेमॉन. ओके ओके यार ये लोग बातचीत बहुत करते हैं और मतलब अच्छा गेट्सिस का प्लान फेल हो चुका है ऐसा कुछ. ये कौन है शार. शायद ये मुशारना हो सकता है. That person called Getsis appeared all over the place and it wasn't real, right? Could it have been a dream? अच्छा ये लोगों को लग रहा है ये एक सपना है. नहीं यार Getsis रियल में आया था. फैनल आ चुके. इज दैट मुशारना. तो दोनों चले गए. Did something happen? Oh, फैनल well you see, Munna was here, but Team Plasma. अच्छा ठीक है यार बातचीत मत करो. ओके मुशारना Munna का विकसित रूप है. ठीक है प्रोफेसर फैनल जो है उस चीज़ को लेके चली गई है वो पोकेमॉन टाइप. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है. अब हम लोग को शायद यहाँ की तरफ जाना है या नहीं जाना है क्या करना है जाके देखते हैं. अच्छा हम लोग सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं. ओके गुड गुड. या नहीं जा सकते. अरे यार आई थिंक हम लोग को दूसरे साइड से जाना चाहिए. ओह यहाँ पे एक पोकेमॉन आ गया. वेल हम लोग को अभी बैटल नहीं करनी है तो आज तुम्हारी छुट्टी. ठीक है हम लोग यहाँ से आ चुके हैं और अब ये हम लोग को आगे नहीं जाने दे रहा है ये जो गड्ढा यहाँ पे बना हुआ है. ओके तो यहाँ पे ये कुछ मिल चुका है. पोकेबॉल मिली हम लोग को एक. दैट्स गुड फ्री में पोकेबॉल्स मिल रही हैं. तो यहाँ पे आई थिंक हम लोग फंस चुके हैं और हम लोग ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकते. कैसे जाते हैं वैसे ऊपर. सीढ़ी तो है लेकिन रास्ता नहीं है. सीढ़ी तो है लेकिन रास्ता नहीं है. तो वेल हम लोग ये ड्रीम यार्ड सिटी का तो मिशन आई थिंक हम लोग कंप्लीट हो चुका है और हमारे पैंसिस ने जो है वो कट भी सीख लिया है. ओ तो क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है. नहीं हो सकता.
ये VLC मीडिया प्लेयर हटेगा क्या यहाँ से? नहीं हट रहा है। सो आई थिंक गाइस आज के लिए इतना ही रहने देना है CA। मतलब बहुत ही गेम खेल लिया आज के एपिसोड में, इतना ही। वाले हम लोग को अपना पहला बैच भी मिल गया, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और ड्रीम यार्ड का मिशन भी आई थिंक कम्प्लीट हो चुका है आधे से आधा, और हमारे पैंसेज ने कट भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। वैसे आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बियान सब वहीं रह गई है। चलो हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे इस गेम को, आज के लिए इतना ही। और आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे कमेंट करके बताओ, और आप लोग इस गेम को खेल रहे हो नहीं ये भी बताओ, ठीक है? तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और बस फिर मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में। जब तक पोकेमॉन और एनीमे फैन बने रहें।